हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में हमने अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का पार्ट वन किया था। आज हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का पार्ट टू लेके हाजिर हैं आपके सामने। तो आज जो हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में टाइप टू करेंगे, जो है हमारा स्मॉल लेटर सीरीज के ऊपर। ठीक है, पिछले हमने लेसन में तो किया था कि जो हमें अल्फाबेट्स की सीरीज दी होती है उसको भी हम क्या करते हैं, नंबर्स के साथ डिनोट करके उसको फाइंड करते हैं। जैसे हमारी नंबर सीरीज होती है, इस तरह से हमने अल्फाबेट को भी नंबर्स में कन्वर्ट करके करते हैं। ठीक है, बट आज का जो आपका लेक्चर है स्मॉल लेटर सीरीज, बट ये उसके बेस नहीं है, ये थोड़ा सा उससे अलग है। ठीक है, तो बट आपके सिलेबस में ये भी है, इसको भी हमने करना है। तो इसको करने का तरीका जो है वो हम करेंगे कि स्मॉल लेटर सीरीज तो होती किस तरह से है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो यहाँ पे है ए बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश बी सी, इस तरह से जो आपकी सीरीज चल रही होती है। ठीक है, इस वाली सीरीज को हम बोलते हैं स्मॉल लेटर सीरीज। ठीक है, तो स्मॉल लेटर सीरीज में होता क्या है एक्चुअली में, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स को कुछ लॉजिक के साथ, कुछ रूल के साथ, आप बोल सकते हो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को इसमें सीरीज को डिवाइड किया होता है। फॉर एग्जांपल ये कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। आपको क्या किया होता है कि इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया होता है और सभी में जहाँ तो एक जैसा रूल लगा होता है, जहाँ तो पहले दूसरे में अलग अलग, फिर तीसरे चौथे में अलग अलग, इस तरह से रूल्स के साथ आपको सीरीज जो है पूरी कंबाइन करके दी गई होती है। ठीक है, आपने इसमें वही चीज़ फाइंड करनी है कि कौन सा ऐसा रूल है, कौन से ऐसे छोटे छोटे लॉजिक हैं जो आपको इस सीरीज में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसको फाइंड करके आपने आगे क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। तो चलिए इसके हम कुछ पहले पैटर्न्स देख लेते हैं, क्योंकि हम पहले क्वेश्चंस के ऊपर नहीं आते हैं। हर एक टॉपिक में पहले आपको बेस समझाया जाता है इसका, कि क्वेश्चन बनते किस तरह से हैं, वो चीज़ आपको सिखाई जाती है, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। इसीलिए इसमें भी जो लॉजिक लगे होते हैं, ठीक है ना, कुछ कौन कौन से इसमें कौन कौन से इसमें रूल लगे होते हैं, किस तरह से ये सीरीज बनी होती है, उसको हम कुछ थोड़े से रूल्स आपको बताएंगे, कुछ लॉजिक आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भाई स्मॉल लेटर सीरीज में क्या होगा, या तो आपको इस तरह से पहला रूल दिया होगा, आपको इस तरह से सीरीज चल रही होगी आपकी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस तरह से सीरीज चल रही होगी आपकी। ठीक है, जहाँ आपको क्या होगा कि आपकी बी सी ए हो जाएगा, बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए, यहाँ तो इस तरह से रूल आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और क्या होगा कि बीच में कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे, आपको सिर्फ वही चीज़ आपको फाइंड करनी है, या फिर आपको इस तरह से दी होगी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी, या फिर इस तरह से होगा। ठीक है, यानी कि चाहे कुछ भी आगे पीछे करके, बट जो तीन लेटर आपको दिए हुए हैं वो एक साथ एक ही सिनेरिटी में चलते जाएंगे आगे आगे। ठीक है, तो ये तो आएंगे सारे सिंपल कि जो हर कोई इसको देख के समझ सके, बट हमने एक कदम आगे चलना है। ठीक है, अच्छे से बढ़िया वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए आगे कुछ और टाइप की तरफ चलते हैं, कुछ टाइप्स जो होते हैं इसके कि क्वेश्चन किस तरह से, जो हम सोचते हैं कि आपने काफ़ी सारी वीडियो में, काफ़ी सारे लेक्चर्स में ऐसे देखा होगा कि वो हर एक में एक ही टाइप बोलते हैं, कि इसको जितने टाइप टर्म है उसको फैक्टराइज करके उतने टाइप में बांट लो, फिर ऑप्शन के साथ चेक कर लो। ठीक है, हम उस तरह से नहीं जाएंगे, एक्चुअली में वो सीरीज बनती किस तरह से है। ठीक है, एक्चुअली में वो सीरीज बनती किस तरह से है, हम उसके टाइप की तरफ देखेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब हमें क्वेश्चंस में आए, क्वेश्चंस में अगर वो वाली सीरीज आए, हम उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, तो देखो आपको कई बार मैक्सिमम टाइप जो है, मैक्सिमम टाइम, बाकी तो सारे सिंपल होते हैं, जैसे जिस तरह इस तरह से है ना, बाकी सारे सिंपल हैं कि रिपीटेड होते हैं, आपसे क्वेश्चन निकलते जाते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, जो आपसे उन तरीके से नहीं निकलते, जो कोई भी नहीं समझा पाता है, ठीक है, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो सीरीज बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सर्कुलर में ए बी सी है, ठीक है, जहाँ पे ए लगा लो, बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, तो कुछ सीरीज किस तरह से होती है कि इसको जैसे क्लॉकवाइज घूमती है ना, इसी तरह से ये सीरीज घूमती है। ठीक है, आप यहां पे हेडिंग दे लोगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, सर्कुलर क्लॉकवाइज लिख लो आप, सर्कुलर क्लॉकवाइज। ठीक है, एक सीरीज क्या होगी कि सर्कुलर
ठीक है, जिस तरह से क्लॉक घूमती है ना, क्लॉक कैसे घूमती है, इस तरह से क्लॉक वाइज आपकी सीरीज घुमाती है। किस तरह से, देखो पहले ए आया, ए के बाद आया बी, बी के बाद आया सी, ये तीन टर्म आ गई यहाँ पे। देखो पहला टाइप किस तरह से आएगा, ए बी सी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि आगे क्लॉक वाइज किस तरह से घूमता है, एक पीछे आके फिर से आगे बी सी ए, इस तरह से घूमेगा, ठीक है, एक पीछे करके फिर से आगे बी सी ए। फिर उसके बाद बी सी ए हो गया, उसके बाद क्या करेगा, ए तक पहुंचा, ए से एक बार फिर से पीछे आएगा और फिर आगे तीन क्लॉकवाइज घूमेगा सी ए बी, ठीक है। बी सी ए तक हो गया, बी सी ए तक हो गया, उसके बाद क्या करेगा, फिर से एक पीछे जाएगा, तो फिर क्या करेगा, बी सी ए था, एक पीछे जाके फिर क्या आएगा, सी ए बी, ठीक है, सी ए बी, ठीक है। जब सी ए बी तक हुआ, फिर से एक पीछे गया, तो फिर से क्या आएगा, ए बी सी, देखो फिर से वही चीज आ गई ना, ठीक है। मैक्सिमम ऐसे वाली सीरीज जब भी होगी, ठीक है, ऐसे वाली सीरीज जब भी होगी, देखना पहले और लास्ट वाले सेम हमेशा आएंगे, ठीक है। जब भी ऐसे वाले आपको आएंगे, सामने से दिख जाएगा कि सीरीज जो है वो क्लॉकवाइज, सर्कुलर क्लॉकवाइज है या सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब इसको भी लिखने के काफी सारे आगे पैटर्न आ जाएंगे, ठीक है, कि किस तरह से पैटर्न क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पता वो इसको दो बार लिख ले ए ए बी सी, फिर क्या हो, इसको दो बार लिख ले बी बी सी ए, फिर इसको दो बार लिख ले सी सी ए बी, फिर ए ए बी सी, इस तरह से इसका पैटर्न बन सकता है, ठीक है। फिर यहाँ फिर किस तरह से पैटर्न बन सकता है इसका, ठीक है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना किस तरह से समझाया था, इसको अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि अगर ये चीज़ आप समझ गए ना, अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ गए, फिर आपके लिए सीरीज कोई भी मुश्किल रहने वाली नहीं है, ठीक है। किस तरह से भाई, देख लो, मान लो ये सर्कल में था, ठीक है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे था सी, ठीक है। सर्कुलर कैसे घूमता है, पहले ए फिर बी फिर सी, ठीक है, फिर एक पीछे गए, फिर आगे सर्कुलर में बी सी ए, ठीक है, बी सी ए लिखा, फिर उसके बाद ए तक पहुंचे, फिर से एक पीछे आना, फिर सी ए बी, सी ए बी लिखा, बी तक पहुंचे थे, फिर एक पीछे जाना ए बी सी, इस तरह से सारी सीरीज होगी, ठीक है। अब इसको किस तरह से आगे टाइप में बना सकते हैं उसको देखो, पहले हमने सभी के पहले पहले किए, फिर क्या पता इस तरह से दे दे ए बी बी सी, फिर उसके बाद बी सी सी ए, फिर उसके बाद सी ए ए बी, फिर उसके बाद ए बी बी सी, इस तरह से बना सकता है, ठीक है। सीरीज का क्या है, वो कुछ भी घुमा सकता है सीरीज को, बट जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसके पहले से पैटर्न हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, फिर हमारे लिए क्या होगा, हर एक चीज इजी हो जाएगी, ठीक है, कि जो भी हमें क्वेश्चंस आया होगा हम उसको पैटर्न को देख के हमें पता चल जाएगा किस तरह से पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। आगे एक और सीरीज इसको क्या कर सकता है भाई, ए बी तो सेम लिखेगा, लास्ट वाले को डबल कर देगा, ए बी सी सी बी सी ए ए, या फिर सी ए बी बी, या फिर ए बी सी सी, इस तरह से बना देगा पैटर्न को, ठीक है। या फिर क्या करेगा, दोनों को दो दो बार लिख देगा, तीनों को, ठीक है, कैसे, ए ए बी बी सी, बी बी सी सी, सॉरी सी यहाँ पे भी ए ए, फिर क्या होगा सी सी ए ए बी बी, फिर ए ए बी बी सी सी, ठीक है, मतलब सभी को दो दो बार लिख देगा। आई होप सभी को समझ आ रही होगी, सारी के सारे जितने भी पैटर्न बनाए वो हमने एक ही इससे ही हमने सारे के सारे पैटर्न बना दिए हैं, ठीक है। आई होप सभी को यहाँ तक समझ आई होगी। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने कहाँ से शुरू किया था, ए बी सी से शुरू किया था ना, ए बी सी से, अगर मैं बी से शुरू करूँ तो बी सी ए आएगा पहला टर्म, ठीक है। देखो ऊपर मैं बनाने लगा हूँ इसको, देखो भाई मैंने आपको, हमने, हमारा मेन मोटो यही रहता है कि हम जो भी चीज़ आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर इतना हम पढ़ा दें ताकि आपको किसी भी एग्जाम के लिए आगे पीछे जाने की जरूरत ना हो। हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ एक ही जो ट्रिक्स है दो तीन क्वेश्चन के लिए वही जो बच्चों को आसान लगती है वही चीज़ बता के बंदा अपनी जो थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको फेमस है वो बना देता है। हम वैसा नहीं करते हैं, हम चाहे थोड़ा सा मुश्किल हो बट हम सारा का सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे मैंने बोला था ना, पहले हमने ए से शुरू किया था, क्या पता वो सीरीज बी से शुरू हो जाए। बी से शुरू होगी तो क्या आएगा, पहले बी सी ए, पहले आएगी टर्म सिक्स वाली, देख लो बी सी ए, फिर क्या आ जाएगा भाई, बी सी ए आया, फिर क्या करना है, एक पीछे जाना है, फिर से आगे बढ़ते जाना है, एक पीछे आए सी, फिर क्या आएगा सी ए बी, आएगा सी ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद सी ए बी, बी तक पहुंचे थे, एक बार पीछे जाना, फिर से आगे बढ़ते जाना है, ए बी सी, क्या आएगा उसके बाद ए बी सी, फिर उसके बाद क्या आएगा, ए बी सी तक पहुंचे थे, अब क्या करना है, फिर से एक पीछे जाना है, तो बी सी ए हो जाएगा। देखो पहला और लास्ट वाला फिर से सेम आ गया। इसी तरह से
सारे के सारे टर्म आपने फिर से इस तरह से आपने पैटर्न बना देना है, ठीक है आपने, ठीक है ये सारे के सारे पैटर्न जिस तरह से ये बनाया है उसी तरह से आपने इसके भी आगे जितने पैटर्न बनते हैं वो सारे बनाने हैं, ठीक है। आलस किसी बात का नहीं करना है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी सीधी जो है आसान रहने वाली है, ठीक है। अगर आप उसको बोल दोगे आसान है या छोड़ देंगे ना, तो बस दिमाग पेपरों में भी यहीं पर आपका रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके लिए इजी रहेगा, उतनी ही आपको ज्यादा आएगी। अगर आपको रूल्स पता है, आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है ना, आप उस बंदे से कम हो जिसके पास रूल कम बट प्रैक्टिस ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि रूल तो सभी को पता होते हैं, क्वेश्चन किस तरह से निकलना है रूल सभी को पता होते हैं, बस बंदा कहाँ पे रहता है, प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी बंदा प्रैक्टिस करेगा उतनी ही बंदा क्या बोलते हैं उसको, अच्छी तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएगा, ठीक है। तो अलग से और टाइप देखो किस तरह से हो सकता है, भाई मैंने बी से शुरू किया था अब मैं सी से भी शुरू कर सकता हूँ। सी से किस तरह से होगा, मान लो सी, उसके बाद क्या है ए बी, यहां तक पहुंचे, फिर उसके बाद बी के एक पीछे जाना था ए, वहां फिर क्या आ जाएगा ए बी सी, फिर उसके बाद सी तक पहुंचे एक पीछे के आगे क्या आएगा बी सी ए, फिर उसके बाद ए पे पहुंचे एक पीछे आया तो क्या आएगा सी ए बी। देखो फिर से वही चीज आ गई ना, जो पहले शुरू की थी वही लास्ट आ गई सी ए बी, ठीक है। और अब आप इसको भी जिस तरह से ये पैटर्न बनाया है उसी तरह से आपने इसके भी सारे बनाने, क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, जहां पे आप घुमा रहे थे क्लॉकवाइज, ठीक है सर्कुलर क्लॉकवाइज, अब आप इसी पूरी टर्म को आप क्या कर सकते हो, सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाओगे, सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज। भाई आप जितने प्रैक्टिस करोगे ना, जितने आप लिखते जाओगे प्रैक्टिस, जितने आप इसके लॉजिक जो भी है इसके लिखते जाओगे ना कि किस तरह से आते हैं, उतने ही आपके लिए अच्छा रहेगा कि जब आप क्वेश्चन आएंगे आपको फटाफट देखते ही क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा कि कौन सी सीरीज गई हुई है इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे, पहले हमने लिखा था सर्कुलर क्लॉकवाइज, अब हम लिखेंगे सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्टिंग में देखने को आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट आप धीरे धीरे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, सब कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। आप मुश्किल से मुश्किल भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे ना कि आपको जो इजी वाला मेथड है वो फटाफट बता देंगे, उसके बाद बाकी वाले क्वेश्चन चाहे हो या ना हो, ठीक है, हम इस वहां तक करवा देंगे कि आपको पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर पाओ, ठीक है। अब देखो सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से आएगा, भाई अब उल्टी साइड से घुमाना है, ठीक है। एसी को ले लो, पहले हम ए से शुरू करेंगे तो उल्टी साइड से क्या आएगा ए सी बी, क्या आएगा पहले ए सी बी, भाई ए सी बी आया, एक पीछे जाके सी बी ए आएगा, सी बी ए आएगा, फिर उसके बाद भाई सी बी ए आया, फिर एक पीछे जाके बी ए सी हो गया, बी ए सी हो गया, फिर हो गए बी ए सी हो गया, फिर एक पीछे जाके तो क्या आएगा ए सी बी। देखो फिर से वही चीज आ गई, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह से घूमती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके भी जैसे ही आपने नीचे वाले पहले पार्ट के आपने चार चार पांच पांच किए थे पैटर्न बनाए थे, उसी तरह से इसके भी बनाओगे। जितने आप बनाते जाओगे उतने ही आप टाइप से फेमिलियर होते जाओगे, सॉरी, और उसके बाद आप उतना ही आपको ये सीरीज अल्फाबेटिक स्मॉल लेटर सीरीज जो है वो आपको ईजी लगने लगेगी, ठीक है, क्लियर है यहां तक। और अब आप क्या करोगे, इसी तरह से ये सारे के सारे, पहले ए से शुरू किया था, अब आप कहाँ से शुरू करोगे, बी से शुरू करोगे, और सारे क्वेश्चन आप इसके करोगे। आई होप सभी को समझ आई होगी, ठीक है। सॉरी, ये जितने भी हैं वे सारे के सारे पैटर्न आपने इसी तरह से अच्छी तरह से सीखने हैं, ठीक है। आई होप सभी को समझ आई होगी। बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं ना, बाकी वाले जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, जब आप क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन से ही आपको पता चलते जाएंगे कि इसमें कौन सा रूल लगा हुआ है, कौन सा रूल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बाकी जो जिसका हमें जो क्वेश्चन हमसे नहीं निकलते हैं ना, वो सारे के सारे इस पैटर्न के ऊपर होते हैं। क्योंकि देखो अगर कहीं भी इस तरह से लिखा होगा तो भाई क्या आप इसका बना सकते हो कि इस तरह से कभी हो सकता है, ठीक है। तो बस यही है कि आप उस तरह से सिंपल तो हम क्वेश्चन में करेंगे ही करेंगे, बट ये जो टाइप है ना, इनको आप अच्छी तरह से लिखोगे ना, लिखते लिखते ही आपको हर एक टाइप जो है आपके माइंड में आता जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा पेपर में आप उसको आसानी से कर पाओ, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लाते हैं जो इन सबके बेस्ड हैं, जो इजी क्वेश्चन टू मॉडरेट जहां तक के लेवल के सारे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं आगे क्वेश्चंस।
तो चलिए ये है आपके स्क्रीन के ऊपर आज के स्मॉल लेटर सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है। पहले आप इसको समझो, खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या उस वीडियो को पॉज करके इसको समझने की कोशिश करो और निकालने की, ठीक है। तो फिर बाद में हम इसको करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। भाई जब भी हमने ऐसे वाले क्वेश्चन करने हैं ना, हमने इनके लेटर काउंट कर लेने हैं, ठीक है। लेटर काउंट करने का तरीका तो वही रहेगा, ठीक है। लेटर काउंट किस तरह से करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि ये जो है ये 12 लेटर की है, तो 12 यानी कि 12 लेटर हैं अगर, तो भाई 12 का फैक्टर या तो वो 4-4 का कोड रहा होगा, ठीक है, लॉजिक जो है वो, या तो वो 3-3 का कोड रहा होगा, ठीक है। तो भाई जब हमने फिर हमने क्या करना है, लेटर की तरफ देखना है, ठीक है। लेटर कितने हैं भाई, मुझे लग रहा है कि इसमें लेटर सिर्फ तीन ही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो तीन लेटर रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब हमें जो पेयर बना हुआ है वो कितना, सॉरी वो पेयर जो है वो कितना, तीन तीन का पेयर बना होगा, ठीक है। तो पहले तो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं, जो क्वेश्चन हमें कोई मीनिंगफुल वर्ड के ऊपर हमें पेयर्स दिए होते हैं ना, वो सबसे ईजी होते हैं कि हमें देख के ही पता चल जाता है और बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले ईजी वाले वही होते हैं जो जिनके बर्ड, जो मीनिंगफुल बर्ड के ऊपर पेयर बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये देखो, ये किसका था, ये था SSC CGL, ठीक है। तो ये पेयर किसका था, हमें पता है ये मीनिंगफुल वर्ड था कि SSC CGL का आपने नाम सुना होगा, तो उसका पेयर था, हमें पता था ये मीनिंगफुल वर्ड है और ये आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहने वाला था वो क्या था, इसका जो आंसर था वो क्या था, CL और SG। इस तरह से आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, चार में से आपको जो करेक्ट होगा वो आपने ठीक करना है, ठीक है। और आपको इसका बेस्ट तरीका करने का ये भी होता है कि आपने किस तरह से कर रहा है, कि आपको जब ये सीरीज दी होगी आपने तीन तीन के पेयर बना के उसमें ऑप्शन में से ये चीज़ें फिट करके देखना है कि कौन सा पैटर्न सही बैठ रहा है, ठीक है। तो वो तो है बाद की बात, अगर आपको पता नहीं चल रहा, वैसे तो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे वो सारे के सारे ऑप्शन के बिना निकल जाएंगे, बट फिर भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आपको पता नहीं चल रहा है, फिर आप आके एंड पे आके ये वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हो कि आप ऑप्शन में से सारे के सारे पैटर्न, हालांकि टाइम लगेगा बट क्वेश्चन निकल जाता है इससे भी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखो, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, देखो ROSE रोज, ठीक है। यहाँ से भी एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा था, वैसे भी आप लेटर काउंट करते, वैसे भी अगर आप इसके लेटर काउंट करते तो कितने हो जाने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 थे, आपने इसको 4-4 में बांट देना था। तो देखो आपका मीनिंगफुल लेटर जो है, मीनिंगफुल वर्ड जो है लेटर से, वो बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला था, ORE जो है आपके चार ऑप्शन में से कोई भी ये ऑप्शन होना था वो आपका रहना था करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ रही होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेटर है ना। आपने क्या करना है, इसको भी आपने ये चेक कर लेना है इसमें कि कितने लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। आपने देखा सिर्फ तीन ही लेटर हैं, कौन कौन सा, एल एम और एन, तीन लेटर रिपीट हो रहे हैं। आपको यहाँ से पता चल गया कि तीन तीन का पेयर होगा, तो तीन तीन का पेयर करके आपने इसको अलग अलग कर देना है। और वहाँ पर आपने देखो एल एम एन दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है एल एम, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या आना था, देखो किस तरह से था, एल एम एन आएगा, ठीक है। अब देखो फिर से जो एक लास्ट था उसी से शुरू किया हुआ है, एन एम अब क्या आएगा, एल आएगा, ठीक है, समझ आ रही है। अब देखो जो लास्ट में था उसी से शुरू किया, एल एम एन, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट है ना उसे शुरू करना है। अब एन लास्ट है, अब यहाँ से एन से शुरू होगा, क्लियर है। फिर से देखो एल एम, मुझे पता था तीन लेटर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो एन आएगा। अब देखो एन है, जो लास्ट है वहीं से वो शुरू हो रहा है, एन एम, अब क्या आएगा, एल आएगा। अब L से खत्म हुआ तो लास्ट में जो पहले वो इससे शुरू होना, देखो L से शुरू हो गया L M N, अब देखो ये लास्ट है उससे फिर से ये पहले वाला आएगा, तो क्या आएगा N M L, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें देखो कितने हैं लेटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है ना। तो अब आप बताओ 13 का कैसे करोगे भाई, आपको लेटर देखने हैं कितने हैं, ठीक है। आपको पता चल गया कि यहाँ पे लेटर कितने हैं, M N O, ठीक है, M N O P है ना। आपको यहाँ से पता चल गया कि 4-4 का छोड़ा होगा, तो M इतना इतना आपने छोड़ देना है। देखो 4-4 का हो गया, देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, M O P N, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, M O P N हो गया ना, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, M O P, यहाँ पे क्या आएगा N। देखो
पेयर करने से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, पहले में आया ओ, फिर आया फिर से ओ, फिर आया एम, फिर आया एन। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, आई होप सभी को समझ आ रही होगी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हैं लेटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हैं। तो लेटर कितने रिपीट हो रहे हैं, पी है, क्यू है, आर है, एस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी चार चार में बंटा होगा, चार चार में बांट दो, ठीक है। तो देखो कि किस तरह से आ रहा है, क्यू पी डैश आर डैश पी एस आर, फिर से क्यू पी एस आर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्यू पी एस आर आ रहा है। देखो क्यू यहाँ पे, देखो सेंटर में पी 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 सभी में है, यहाँ पे आर आर, यहाँ पे भी क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ पे क्या था, क्यू पी, क्यू पी का क्या है एस, क्यू पी एस आर, और यहाँ पे क्यू, यहाँ पे भी आएगा क्यू, और यहाँ पे भी क्या आएगा क्यू। देखो क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर, आपका जो पेयर है वो बन गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा आंसर, जो था वो था आपका एस क्यू क्यू आर। जो चार ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा वो आपका, यही ऑप्शन आपका सही बैठने वाला है, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ रही होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 6, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हैं। तो कितने लेटर हैं, एस टी यू वी, चार हैं। तो आपने क्या करना है, चार चार में इनको बांट देना है, ठीक है। तो किस तरह से आएगा, देखो सामने से एस एस, यानी कि जहाँ पे भी एस आएगा, टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों में टी टी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो यू 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 था, वी 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 है, इसका मतलब आपका आंसर अब क्या आएगा, टी एस टी। आपका आंसर था यहाँ पे तीन थे, तो टी एस, सॉरी टी एस, टी एस ओ टी आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है। 16 है ना, आपने क्या करना है इसको, चार चार में बांट देना है, ठीक है। तो चार चार में किस तरह से बंटेंगे, इस तरह से, क्योंकि चार चौके 16, चार जो 16 है उसके फैक्टराइज करोगे तो 4 × 4 ही आता है, ना तो 3 का आएगा ना तो 5 का आएगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि चार चार लेटर का ही है ये, ठीक है। तो चार चार का किस तरह से है, अब आप इनको देखोगे ध्यान से, देखो ये चीज़ कंप्लीट है ना, तो ये इसके इक्वल लग रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए, एक तो चीज़ पता चल गई। अब ये इसके इक्वल होगा, यहाँ पे कितना है, अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बी। अब देखो सब कुछ आपके सामने क्लियर हो गया ना, बी ए बी बी ए, फिर बी ए ए बी, फिर से ए बी 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 ए, फिर से बी ए ए बी, क्लियर है। तो आंसर आपका क्या रहने वाला था, यहाँ पे बी ए बी, ये था आपका आंसर, क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लेटर हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 है। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा 3 लेटर है, तो आपने तीन तीन में इसको कर देना है डिवाइड, तीन तीन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा लेटर आ रहा है आपका, जो हमने पेयरिंग वाला किया था ना क्लॉकवाइज, वो वाला है। देखो किस तरह से, देखो ए बी सी, ठीक है, उसके बाद क्या था, ए बी सी, उसके बाद बी बी सी आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से ए बी सी, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी, उसके बाद बी बी सी, उसके बाद फिर से ए बी सी, अब क्या आएगा बी बी, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे क्या आना था, सी आना था, ठीक है। अब देखो सब कुछ क्लियर हो गया, ए बी सी दोनों क्लियर, और यहाँ पे भी ए बी सी, यहाँ पे क्या आएगा बी बी सी, और यहाँ पे भी क्या था बी बी सी, ठीक है। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या था, सी सी बी सी रहने वाला था, सी सी बी सी, क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही है कि ये सारे बॉय से बने हुए हैं, बी ओ वाई, ठीक है। तो ये था आपका पेयरिंग वाला, देखो यहाँ पे क्या आएगा बी ओ वाई, ठीक है। अब देखो क्लॉकवाइज वाला ये था किस तरह से था, मान लो ये आपका सर्कल था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे वाई था, ठीक है। पहले क्या आया बी ओ वाई आया, देखो बी ओ वाई, उसके बाद बी ओ वाई एक पीछे गए ओ वाई बी, अब क्या आना है ओ वाई बी, देखो है ना। उसके बाद क्या था, चलो इसको भी बांट लेते, पहले तीन तीन में था, अब देखो उसके बाद बी तक पहुंचे थे, बी के बाद उसके बाद क्या था, एक पीछे जाना है वाई बी ओ, देखो वाई बी, अब क्या आना है यहाँ पे ओ, ओ तक पहुंचे, एक पीछे गए, फिर से क्या आया बी ओ वाई। तो देखो ये था आपका क्लॉकवाइज वाला क्वेश्चन, आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी और क्लियर हो गए होंगे सभी के डाउट किस तरह से आते हैं। सॉरी इसको देखो आप, कितने हैं लेटर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हैं, और तीन लेटर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आपको तीन तीन में बांट देना है, सभी को हम एक जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तीन तीन में बांट दिया, यहाँ पे क्या आएगा टी एस टी,
TST और TST तो सबने था ही, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया था इसका, STT आंसर था आपका, STOT। ये थे आपके आज के क्वेश्चन, आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो बाकी सारे जितने भी आपको पैटर्न्स थे जो आपको पिछले अभी बताए हैं, आपको किस तरह से पैटर्न पूछे जाते हैं, आपने उनको भी देखना, अच्छी तरह से बना लेना है, क्योंकि जब आप पैटर्न को अच्छी तरह से बना लेते हो ना, फिर आपको जो जितने भी सारे क्वेश्चन आए हो ना, आपको देख के ही पता चल जाता है कि आप इसमें क्या फिल करोगे, ठीक है। इसलिए मेरा मकसद पहले यही था कि आपको पहले बेसिक से बता दिया जाए कि पैटर्न किस तरह से आने हैं, पैटर्न आने के बाद आप इसको, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। आई होप सभी को ये वाली क्लास अच्छे से समझ आई होगी और अच्छे से सभी ने इंजॉय किया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी, ठीक है, आप अपने नोट्स के लिए। तो मिलते हैं आप अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।